सो स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन। हाँ सर। हाँ सर। तो देखो कल यार हम लोगों ने स्टार्ट किया था 3D, थ्री डायमेंशंस, और स्टार्टिंग में कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन है, ठीक है। ये इतना कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, थोड़ा एसक्यू लाइंस पे एक्सप्लेन करने के लिए पॉइंट यूज करते हैं हम लोग। देन इक्वेशन ऑफ लाइन, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ये 3D की वेक्टर्स फॉर्म में है और आप इसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में चेंज करते हो तो यू विल गेट दिस, x माइनस एक्स वन अपॉन अल्फा इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बीटा इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन गामा। यहाँ पे कोफिशियंट ऑफ एक्स वाई और जेड ये स्ट्रिक्टली कितना होना चाहिए बोलो? जैसे सर्कल का इक्वेशन में देखो जरूरी नहीं होता है कि समझने का ट्राई करो तुम लोग, है ना। जैसे सपोज करो ये 2x² + 2y² माइनस का 3x + 4y माइनस का 5 इज इक्वल टू 0, तो ये 100% डेफिनेटली एक सर्कल का इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पे कोफिशियंट ऑफ x² कोफिशियंट ऑफ y² है सेम, कोफिशियंट ऑफ xy इसके अंदर नहीं है जो कि सर्कल के लिए कंडीशन है। इसके अलावा एक पॉइंट थोड़ा सा ये भी चेक करना पड़ता है हम लोगों को, g² + f² - c ये नंबर क्या आना चाहिए बोलो? लेस देन जीरो, अगर कुछ इट इज करेंगे पॉजिटिव, पॉजिटिव जीरो सॉरी ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि ये r के अंदर आता है ना, r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दिस एक्सप्रेशन। हाँ तो अभी तुम्हें एक चीज समझ में आ रही होगी, यहाँ पे c नेगेटिव है तो ऑब्वियसली बात है माइनस ही पॉजिटिव ही आएगा, तो g² + f² + पॉजिटिव यानी ये डेफिनेटली पॉजिटिव है। तो 100% ये सर्कल का इक्वेशन है, लेकिन आपको सपोज करो सेंटर और इसका रेडियस कैलकुलेट करना है। तो स्टेप वन, सबसे पहले आप कोफिशियंट ऑफ x² और y² कितना बनाओगे बोलो? वन। तो इतना कंडीशन है बस। तो यहाँ पे भी इस ये जो इक्वेशन है, सपोज करो यहाँ पे x और y के प्लेस x, y और z के कोफिशियंट कुछ और है तो भी वो इक्वेशन ऑफ लाइन ही है, लेकिन कैलकुलेशन के लिए पहले आप कोफिशियंट ऑफ x, y और z ये वन बनाओगे। जैसे कुछ क्वेश्चंस थे लाइक 2x + 1/3 इज इक्वल टू 2 - y / 5 इज इक्वल टू z - 4/0, तो ये भी स्ट्रेट लाइन का ही इक्वेशन है, 3D इक्वेशन है, बट फॉर कैलकुलेशंस कोफिशिएंट ऑफ x, y एंड z शुड बी 1। तो इसको किया डिवाइड बाय 2, ये हो गया x + 1/2/3/2, इसमें से माइनस कॉमन और फिर माइनस को 5 में एडजस्ट करो, यू विल गेट दिस y -2/-5, ठीक है, इज इक्वल टू जेड माइनस 4/0। यहाँ पे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि डिनोमिनेटर में जीरो आने का मतलब यहाँ पे नॉट डिफाइन नहीं होता, ठीक है। इसका मतलब बस इतना हो गया कि यार तुम राइट साइड लैम्डा लिखोगे तो आपका जेड कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, यस और नो? जेड कोऑर्डिनेट डेफिनेटली कितना आने वाला है ऑलवेज? जीरो। अरे नहीं, फोर, जेड कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूँ मैं, हाँ जेड तो फोर ही आएगा ना। सपोज करो ये -4 नहीं होता यहाँ पे तो z/0 इज इक्वल टू लैम्डा, z इज ऑलवेज 0, वो एक अलग पॉइंट है, ठीक है, ओके डन। एक कंफ्यूजन ये होता है यहाँ पे लाइक 2x + 3y इज इक्वल टू 6, ये टू डायमेंशन में एक लाइन का इक्वेशन है। अभी कुछ लोगों को डाउट ये होता है कि यार थ्री डायमेंशन लाइन का इक्वेशन इस फॉर्म में आना चाहिए, 2x + 3y + 6z यानी कि समथिंग x + -y + -z इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ऐसा नहीं होता, ये रॉन्ग है, ये लाइन का इक्वेशन नहीं है, ये अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये एक्चुअली प्लेन का इक्वेशन होता है, ठीक है। थ्री डी लाइन का इक्वेशन इस फॉर्म में होता है, x - x1/α फिर इज इक्वल टू y - y1/β फिर इज इक्वल टू z - z1/γ, ठीक है, ये सब कवर हो गया था। फिर काफी सिंपल सा पॉइंट है, इक्वेशन ऑफ xy प्लेन, xz प्लेन, yz प्लेन, इक्वेशन ऑफ x-एक्सिस, y-एक्सिस, z-एक्सिस, ठीक है, ये सब चीजें। एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा कि सपोज करो एक लाइन है x - x1/α y - y1/β z - z1/γ, आपको इस लाइन पे कुछ पॉइंट्स लिखने हैं, ऑब्वियसली बात है इनफाइनाइट पॉइंट्स रहे होंगे इसके ऊपर, जिसमें से एक पॉइंट x1, y1 और z1 भी है, और ये लाइन है पैरेलल टू वेक्टर अल्फा आई कैप, बीटा जे कैप और गामा के कैप। अच्छा डिवाइड में जो होता है वो इसकी डायरेक्शन है और उसको आप डायरेक्शन रेशियो भी बोलते हो, यस और नो? ठीक है, इज इक्वल टू लैम्डा। तो यहाँ से x कोऑर्डिनेट आ गया अभी x1 + λ α, y कोऑर्डिनेट y1 + λ β, z कोऑर्डिनेट z1 + λ γ, तो ये इसके ऊपर काफी सारे पॉइंट्स हैं। तुम्हें एक चीज समझ में आ रही होगी, तुम सपोज करो इस एक्सप्रेशन को लैम्डा इज इक्वल टू 0 पुट करते हो, एक सेकेंड,
हाँ मैं इस एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे सपोज करो लैम्डा इज इक्वल टू जीरो पुट करते हो, देन यू विल गेट एक्स वन वाई वन एंड जेड वन, यस और नो? तो वो भी एक पॉइंट ही है, ऑब्वियस ही बात है। अच्छा है, तुम लोग एक चीज का मतलब समझ रहे हो ना, यहाँ पे आपको एक्स वाई जेड वो सारे सेटिस्फाई करेंगे, जिसमें से एक्स माइनस एक्स वन अपॉन अल्फा ये वैल्यू, वाई माइनस वाई वन अपॉन बीटा ये वैल्यू, और जेड माइनस जेड वन अपॉन गामा ये वैल्यू, ये तीनों वैल्यू आपस में कैसे होने चाहिए बोलो? सेम। तो सपोज करो आपको चेक करना है कि यार कोई रेंडम पॉइंट इस लाइन पे लाइक कर भी रहा है या नहीं, तो आप एक्स वाई जेड के प्लेस पे वो पॉइंट पुट करो, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन और ये पोर्शन, ये तीनों पोर्शन कैसे आने चाहिए बोलो? इक्वल। हाँ बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन रेशियो कुछ भी नहीं है यार, उस लाइन का जो डायरेक्शन होता है या फिर उस लाइन के पैरेलल वेक्टर, उसमें जो कोफिशिएंट ऑफ आई जे और के हैं, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्शन रेशो रेशियोज। आप इसको मल्टीपल में भी लिख सकते हो, चलता है, उसमें डिफरेंस नहीं आता। फिर आता है डायरेक्शन कोसाइन्स। डायरेक्शन कोसाइन कैसे ऑब्टेन करते हो बोलो? उस डायरेक्शन रेशियो को यूनिट वेक्टर बताते हैं। के हाँ डायरेक्शन रेशियो का जस्ट आप यूनिट वेक्टर बना देते हो और थोड़ा सा वहां पे प्लस माइनस और, ठीक है। अच्छा प्लस माइनस वैसे इतना मैटर नहीं करता है, आप माइंड में केवल इतना रखो कि यार यूनिट वेक्टर बनाते हो, तो डायरेक्शन रेशियो नीड नॉट टू बी अ यूनिट वेक्टर, कन्वर्ट इनटू अ यूनिट वेक्टर और ये बन गया डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। एक पॉइंट और प्रथमेश, तुम बताओ डायरेक्शन कोसाइन में ये कोसाइन वर्ड का क्या यूज है यहाँ पे? कॉसाइन मतलब कॉस कॉस अगर वो डायरेक्शन कोसाइन हम लिखते किसी भी एक डायरेक्शन रेशियो का, तो एंगल हम मेजर कर सकते हैं एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से और जेड एक्सिस से। हाँ बेसिकली सपोज करो वो लाइन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से एंगल्स क्रिएट कर रहा है, अल्फा बीटा और गामा। तो ये जो पोर्शन है ना, चलो अल्फा बीटा गामा मत लिखो क्योंकि ऑलरेडी अल्फा बीटा गामा है यहाँ पे, लेट्स से एबीसी ले लेते हैं या फिर पी क्यू आर ले लेते हैं ना, पी क्यू आर ले लेते हैं। ओके तो ये जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन है कॉस पी, ये सुनो, हाँ सर, ये पोर्शन है कॉस क्यू और ये पोर्शन है कॉस आर आर, ठीक है। वहां पे डेफिनेटली कॉस स्क्वायर पी प्लस कॉस स्क्वायर क्यू प्लस कॉस स्क्वायर आर, ये वैल्यू कितना आना चाहिए? वन। और वैसे भी समझ में आ रहा है, तुम इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करके ऐड करोगे तो न्यूमरेटर वी विल गेट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर ऑल्सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। तो यार ध्यान रखना, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये वैल्यू ऑलवेज कितनी आती है? ठीक है, एक पॉइंट ये सिंपल सा, अकॉर्डिंग टू सॉरी रिगार्डिंग वन डायरेक्शन रेशियोज एग्जैक्टली कितने डायरेक्शन कोसाइन पॉसिबल है? टू। और रिगार्डिंग वन डायरेक्शन, इसमें ऑन नहीं आना चाहिए वन, एक्चुअली रिगार्डिंग वन डायरेक्शन कोसाइन कितने डायरेक्शन रेशियोज पॉसिबल है बोलो? इनफाइनाइट। हाँ जस्ट आपको मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करना है बस, ठीक है। ओके फिर ये वही है प्रूव इसका, अलाइन मेकिंग अल्फा बीटा गामा एंगल्स विद पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव जेड एक्सिस, देन कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा विल बी द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ गिवन लाइन, ठीक है। ओके डन। अच्छा एक बात ये बताओ, जैसे सपोज करो ये वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप, इस वेक्टर का एक्स एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन कितना आने वाला है बोलो एक बार? टू करेक्ट है। वाई एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन थ्री एंड जेड एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन माइनस फाइव माइनस फाइव। बी डॉट आई कैप एक्स एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन, बी डॉट जे कैप ऑन वाई एक्सिस एंड बी डॉट के कैप ऑन जेड एक्सिस, देन कोई इतना सिंपल पॉइंट था, मतलब ऐसा कोई स्पेशल पॉइंट नहीं है उसमें। ओके तो ये सब हो गया ऑलरेडी, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू वन, डन। ये सारे क्वेश्चंस हो गए थे, ठीक है। एक ये पॉइंट भी देख लेते हैं, एल एम एन आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन, इट मींस अ यूनिट वेक्टर, ठीक है सिंपल ही बात है। ये तो डायरेक्शन कोसाइन ऑब्वियस ही बात है, किसको शो करता है? यूनिट वेक्टर्स को, ठीक है। तो एल एम एन आर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन, इट मींस अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू गिवन लाइन इज एल आई कैप एम जे कैप और एन के कैप, एल इज कॉस अल्फा एम इज कॉस बीटा एंड एन इज कॉस, ठीक है। ये सिंपल पॉइंट है, इसमें ऐसा कोई स्पेशलिटी नहीं है। अच्छा फिर हम लोग इन क्वेश्चंस पे आ गए थे यार, इनमें कोई डाउट है किसी को बताओ?
तो थ्री क्वेश्चन सॉल्व किए थे हम लोगों ने, काफी अच्छे क्वेश्चन हैं, कॉमन है, इजी क्वेश्चन है, कॉमन इन द सेंस एग्जाम में आते हैं ये क्वेश्चन, मीन्स में हर साल एक क्वेश्चन आता है सर। तो आपको कोई डाउट है अभी डिस्कस करते हैं हम लोग। Any doubt? चलो डन, ठीक है। सो ये क्वेश्चन हो गया था, ये भी हो गया, ये भी क्वेश्चन हो गया है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। एक पॉइंट समझने का ट्राई करो पहले, फिर क्वेश्चन करते हैं। ये पॉइंट हम लोगों ने वेक्टर्स में भी डिस्कस किया था ऑलरेडी। जैसे सपोज करो ये कोई एक है, क्यूब भी बना सकते हैं, क्यूबॉइड भी बना सकते हैं, चलता है। ठीक है, लेट से ये पॉइंट है 0,0, इसको एक सेकंड के लिए बोल देते हैं ए बी सी डी, और लेट से यहाँ पे है ई एफ जी एच। ठीक है, ये मैं साइड ले रहा हूं जस्ट वन, या फिर इसको एक एक्स एक्सिस बोल देते हैं, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, एंड ये है जेड एक्सिस। एक्स क्रॉस वाई शुड बी जेड, ध्यान रखना एक्स क्रॉस वाई, तो इसका जो डायरेक्शन है वो जेड आना चाहिए। एक्स क्रॉस वाई कैसे करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू गलत आ जाएगा फिर, है ना। यहाँ पे लिखते हैं वाई और ये लिखते हैं जेड अभी, ठीक है। यानी एक्स की तरफ फिंगर्स करके वाई की तरफ रोटेट करोगे तो जो थंब का डायरेक्शन होता है वो जेड शो करता है। ओके डन, ठीक है। ये है एक क्यूब और लेट से इसका साइड है वन यूनिट। ठीक है, आप मेरे को ये बताओ एजी वेक्टर क्या आएगा। AG वेक्टर इज, ये क्यूब है, ये पॉइंट है 0,0,0, ठीक है। इसके जो साइड्स हैं वो वन यूनिट से सारे, ये है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अभी क्वेश्चन है AG वेक्टर, AG वेक्टर का मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ G माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ A, बोलो। रूट थ्री आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप भी आने वाला है ना जस्ट। भाई जी के लिए ऑब्वियस ही बात है ना, ये तुम्हें समझ में आ रहा है ना ये डायग्राम। हाँ सर। तो जी के लिए ऑब्वियस ही बात है ना, आप एक्स एक्सिस में वन डायरेक्शन मूव कर रहे हो, वाई एक्सिस में भी आप वाई एक्सिस की डायरेक्शन में भी आप वन यूनिट मूव कर रहे हो, और जेड डायरेक्शन में भी हम लोग वन यूनिट मूव कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जी के कोऑर्डिनेट्स क्या होने चाहिए, बोलो। 1,1,1, यस और नो। तो एजी वेक्टर क्या आ गया, आई कैप प्लस जे कैप प्लस पर्पस क्या है मेरा यहाँ पे एक्सप्लेन करना। देखो ये क्यूबॉइड है, तुम्हारा रूम अज़ूम करो, तो वहां पे जो मेन डायगोनल्स होते हैं ना, मेन डायगोनल्स का मतलब ये होता है एक कॉर्नर से अपोजिट कॉर्नर को जो ज्वाइन करता है, वो कितने डायगोनल्स होते हैं एग्जैक्टली बताओ यार। एक होता है फेस डायगोनल, मैं फेस डायगोनल की बात नहीं कर रहा हूँ। फेस डायगोनल तो ऐसा कुछ हो गया कि आपने एच और सी को ज्वाइन किया है, ये सुनो। इसमें एग्जैक्ट फेस डायगोनल्स कितने बनेंगे बताओ। 12 बनेंगे ना बेटा, 6 फेसेस हैं और हर फेस में 2 डायगोनल, तो टोटल 12 फेस डायगोनल्स हैं। अभी मैं यहाँ पे फेस डायगोनल का डिस्कशन नहीं कर रहे हैं हम लोग मेन डायगोनल्स का डिस्कशन कर रहे हैं। यार मेन डायगोनल से क्या माइंड में आता है तुम लोगों को, क्योंकि एक्सप्लेन करने का रिक्वायरमेंट है नहीं इस चीज को। मेन डायगोनल से यही आता है ना माइंड में, लाइक ए जी ये एक मेन डायगोनल हो गया, ई सी ये एक मेन डायगोनल हो गया, एच बी ये एक मेन डायगोनल हो गया, और एफ डी ये एक मेन डायगोनल हो गया, ये सुनो। ठीक है, अभी पॉइंट है कि यार इन डायगोनल्स को लिखना आना चाहिए आपको, तो एक चीज समझने का ट्राई करो आप लोग। देखो डायगोनल्स को लिखना काफी इजी होता है, एक तरफ लिख दो आप आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, सपोज करो इसका साइड है लेट से ए, तो आप लिखोगे ए आई कैप, ए जे कैप और ए के कैप। एक ये मेन डायगोनल है, एक ये मेन डायगोनल है आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, एक ये मेन डायगोनल है आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और एक ये मेन डायगोनल है माइनस आई कैप प्लस जे कैप और प्लस के कैप। अब ये बताओ मेरे को कि आई प्लस जे प्लस के ये किस वेक्टर को शो कर रहा है, इस डायग्राम को देख के बताओ। AG, EF, HB किसको शो कर रहा है बताओ। AG।
एजी 100%। ये देखते हैं आई प्लस जे माइनस के, इसका मीनिंग ये है कि आप एक्स एक्सिस में वन मूव कर रहे हो, वाई एक्सिस में भी वन मूव कर रहे हो, लेकिन के के अपोजिट मूव कर रहे हो वन डायरेक्शन। तो ये किस वेक्टर को शो कर रहा है बताओ? डीएफ। डीएफ एनी डाउट? DF या D से F की तरफ मूव करो ना तुम लोग। इस डायग्राम को थोड़ा और बड़ा बनाना है क्या, तब तुम लोगों को क्लियर होगा मुझे लगता है। हाँ अभी देखो, आई प्लस जे प्लस के यानी एक्स एक्सिस में वन डायरेक्शन मूव, वाई एक्सिस में वन यूनिट मूव, सॉरी वन डायरेक्शन ही वन यूनिट, एंड जेड एक्सिस में भी वन यूनिट मूव। तो यार तुम लोग थोड़ा इसको विजुलाइज करके देखो ना, ऑब्वियसली बात है तुम ए से जी की तरफ मूव कर रहे होंगे, यस और नो? हाँ। अभी सेकेंड है दिस आई प्लस जे माइनस के, तो एक्स एक्सिस में वन डायरेक्शन मूव, वाई एक्सिस में वन डायरेक्शन मूव, और जेड के अपोजिट यानी कि पीछे की तरफ वन डायरेक्शन मूव। तो किस पॉइंट की तरफ जा रहे हो सोच के बताओ एक बार। डी से एफ हो जा रही। डेफिनेटली हो गया। थर्ड आई माइनस जे प्लस के, एक्स एक्सिस में वन डायरेक्शन मूव, जेड डायरेक्शन में भी वन यूनिट मूव, और y के अपोजिट वन यूनिट मूव। अब बताओ इसी x एक्सिस यानी कि आप राइट साइड शिफ्ट करोगे इस साइड, ठीक है? k का मतलब ये किस प्लेन से बाहर आना है आपको, और माइनस j यानी कि बिलो मूव करना है। तो मेरे को समझ में आ रहा है ये e टू c होना चाहिए, ये सुनो। हाँ लास्ट माइनस आई कैप प्लस जे कैप और प्लस के कैप एक्स एक्सिस के अगेंस्ट अपोजिट, जे कैप यानी ऊपर मूव करना है, के कैप यानी कि प्लेन के बाहर भी आना है। अब बताओ बीएच। तो एक्स एक्सिस के अपोजिट पीएच में भी तुम एक्स एक्सिस के अपोजिट ही जा रहे हो, ऊपर भी जा रहे हो और बाहर भी आ रहे हो, ठीक है? तो ये हो गया बीएच। एनी डाउट? नहीं। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखना, एक क्यूब के अंदर डायगोनल्स लिखना, मेन डायगोनल्स काफी इजी होता है यार। आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप तीनों पॉजिटिव है, और एक बार सब में माइनस लगाते जाओ, आई प्लस जे माइनस के, आई माइनस जे प्लस के, और माइनस आई प्लस जे और प्लस के। हाँ अभी ये डाउट आता है कि यार आप ये भी देख सकते हो, तो यार ये दोनों एक ही बात है, बस उनका डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, डायगोनल तो सेम ही है ना वो। सिमिलरली दिस एंड दिस ये भी सेम ही है, सिमिलरली दिस एंड दिस ये भी सेम ही है, और यहां पे ये सेम है। अंडरस्टूड? हाँ सर। ठीक है, तो ये मैं भी हटा रहा हूं यहां से ना, ये राइट साइड वाला पोर्शन आपको केवल इतना माइंड में रखना है, और यार ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चन बन जाते हैं और टफ नहीं है इसमें कुछ भी। सपोज करो इस तरीके से कुछ होता कि जो एक्स एक्सिस वाला जो साइड है दैट इज ए, y-axis वाला साइड है B, और z-axis वाला साइड है C,
तब बोल रहा है आपको मेन डायगोनल्स बताओ, तो बेसिकली ये अभी क्यूब नहीं है यार, है ना, ये क्यूबॉइड है, तो भी लिखना इजी है। स्टार्टिंग करो ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप, एक बार प्लस प्लस प्लस, एक बार प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस और प्लस। एनी डाउट? नो सर। ठीक है, तो ये लिखो, अब क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर। अगेन यार, जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे आप बोल रहे हो इनको डायगनल्स की मूवमेंट कहां पे हो रहा है, वो एक बार सोच के देखो इसको अपने आप से। आशुतोष, एनी डाउट? नहीं सर। ओके, तो i प्लस जे प्लस के, i प्लस जे माइनस के, यार इसको लर्न नहीं करना आपको, है ना, एक बार तीनों प्लस फिर वन वन, एक बार माइनस, हो गया। ठीक है, ये नोट कर लो। Noted? सर दो मिनट। चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। काफी सिंपल क्वेश्चन है, तुम लोग काफी जल्दी आंसर कर सकते हो। फाइंड आउट द एंगल बिटवीन एनी टू मेन डायगोनल्स ऑफ अ क्यूब, ये क्वेश्चन है। बताओ क्या आंसर आएगा। बेसिकली जो भी हम लोगों ने चार डायगनल्स लिखे थे, उनमें से कोई भी टू डायगनल्स पिक कर लो और एंगल बताना है आपको। तो एंगल के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? डॉट। हाँ बिल्कुल, तो तुम कोई भी टू डायगनल पिक करोगे आंसर सेम ही आएगा, तुम करके देखो एक बार। और वैसे भी यार क्यूब एक सिमेट्रिक फिगर होता है, तो चीजें सेम ही आती हैं उसमें, तुम कुछ भी पिक करोगे। cos inverse 1/3। ओके, हाँ cos inverse 1/3। ठीक है, तो i plus j plus k ये पिक कर लेते हैं और लेट्स से ये पिक कर लेते हैं। so cos theta is equal to dot 1 minus 1 root 3 root 3, so theta is equal to cos inverse
वन अपॉन ये आंसर है वन अपॉन थ्री। ठीक है तो यार एक चीज ये क्लियर हो रहा है वैसे यहाँ पे कि वन अपॉन थ्री लेस देन वन अपॉन टू, यस और नो? हाँ। और वन अपॉन टू पे एंगल कितना आता है 60 डिग्री। कॉस के अंदर आप इनपुट इंक्रीज करते हो तो एंगल डिक्रीज होता है, यस और नो? तो थीटा ग्रेटर देन 60 डिग्री और लेस देन 60 डिग्री बताओ? ग्रेटर देन 100% करेक्ट है क्योंकि वो पास में आ रहा होगा ना, वन अपॉन थ्री यहाँ पे कहीं पे आया होगा। एक सेकेंड, वन अपॉन थ्री इधर और वन अपॉन टू यहाँ पे, हाँ करेक्ट है सही। खैर इसका कोई यूज नहीं है लेकिन थोड़ा सा आइडिया होता है तो ठीक रहता है कि जो एंगल है वो ग्रेटर देन 60 डिग्री होता है। ओके नेक्स्ट पॉइंट, ये क्वेश्चन करके देखते हैं ना। अ लाइन मेकिंग अल्फा बीटा गामा डेल्टा एंगल्स विथ फोर डायगोनल्स of a cube determine the value of, ये क्वेश्चन तुम्हें क्लियर हो रहा है ना? फोर डायगनल्स है वहां पे एक क्यूब के और एक कोई भी एक रेंडम लाइन है, पता नहीं कौन सा लाइन है, वो एक रेंडम लाइन है और वो अल्फा बीटा गामा और डेल्टा एंगल्स क्रिएट कर रहा है विथ फोर डायगनल्स, देन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस सिग्मा कॉस स्क्वायर अल्फा। इसमें स्टार्टिंग लाइन में इनिशिएट करता हूं फिर तुम लोग अपने आप से करो। कंसीडर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन, जो तुम्हें लिखना लिख सकते हो एल आई कैप एम जे कैप और एन के कैप। देखो एक चीज समझने का ट्राई करो, डायरेक्शन कोसाइन कंसीडर करना इजी रहता है क्योंकि डायरेक्शन कोसाइंस में मैग्नीट्यूड कितना आता है, वो ही आता है, तो आपको डिवाइड में कुछ लिखना नहीं पड़ेगा। अंडरस्टूड? हाँ। कॉस थीटा तो ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ए, मैग्नीट्यूड बी होता है ना? हाँ। ठीक है ओके स्टार्ट करो भी देखते हैं। एक डायगोनल ये है, इससे कॉस अल्फा फाइंड कर लो। सेकंड डायगोनल दिस, इससे कॉस बीटा फाइंड करो। थर्ड डायगोनल दिस, इससे कॉस गामा फाइंड करो। एंड फोर्थ डायगोनल इज दिस, इससे कॉस डेल्टा फाइंड करो और फिर सबका स्क्वायर करके ऐड हो गया। हाँ बताओ यार फाइनली कुछ आंसर आ रहा है बोलो।
cos alpha is l plus m plus n upon under root of l square plus m square plus यार वो तो वन ही होता है ना हाँ सॉरी यार root three root three हाँ अब cos beta बताओ l plus m minus n upon root three this and cos delta is this yes or no हाँ स्क्वायर करके ऐड करो देखते हैं कितना आंसर आता है फोर बाय थ्री टाइम्स एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर फाइनल आंसर कितना आ रहा है फोर बाय थ्री टाइम्स एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बेटा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर तो वन है ना हाँ हाँ फोर तो मान ही नहीं रहे हो यार पता नहीं तो ये आंसर है फाइनल फोर अपॉन थ्री यार ये स्क्वायर करके ऐड कर सकते हो आप ये a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर है ये a प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर है तो फाइनली तुम इसको कैलकुलेट करोगे यू विल गेट दिस 4 अपॉन 3 और जो जो बता रहे थे वही l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर और ये हो गया 1 फाइनल आंसर इज दिस एनी डाउट ओके डन नेक्स्ट क्वेश्चन कोई डाउट है इस क्वेश्चन में बोल सकते हो अभी ना मतलब बाद में भी बोल सकते हो ऐसा कुछ नहीं है लेकिन अभी बोलोगे तो अच्छा है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल लाइन हैविंग डायरेक्शन कोसाइन डीसीज L, N, N. Now this line is rotated y angle theta. एक चीज ये क्लियर है कि जब भी आप रोटेट करते हो तो वहां पे आपको गिवन होता है कि आप रोटेट किसके अबाउट कर रहे हो ऑब्वियसली बात है एक प्लेट है या फिर लाइन ही लेते हैं ना एक लाइन है इस लाइन को इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करना या फिर मिड पॉइंट के अबाउट रोटेट करना या फिर कोई और पॉइंट के अबाउट रोटेट करना ये सारे डिफरेंट पॉइंट्स हैं या फिर डिफरेंट इफेक्ट आएगा उनका सो नाउ दिस लाइन इज रोटेटेड बाय एंगल थीटा अबाउट ओरिजिन एंड न्यू डायरेक्शन कोसाइन्स आर एल प्लस डेल्टा एल कॉमा एम प्लस डेल्टा एम कॉमा एन प्लस डेल्टा एन देन कि आपको प्रूव करना है डेल्टा एल स्क्वायर प्लस डेल्टा एम स्क्वायर प्लस डेल्टा एन स्क्वायर इज इक्वल टू फोर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू ये क्वेश्चन अच्छा एक चीज बताओ यहां पे इस लाइन को आप रोटेट कर रहे हो अबाउट एंगल थीटा न्यू लाइन की डायरेक्शन कोसाइन गिवन है आपको स्टार्टिंग लाइन की डायरेक्शन कोसाइन भी गिवन है तो रोटेट करने का मतलब यही हो गया ना यार कि न्यू लाइन और इनिशियल लाइन इनमें एंगल कितना है थीटा तो बेसिकली आप वहां पे कॉस थीटा यूज कर सकते हो चलो स्टार्ट करते हैं इसको डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को स्टार्टिंग में डायरेक्शन कोसाइन है एल एम एन 100% क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन है तो स्क्वायर समेशन कितना आना चाहिए बोलो वन आफ्टर रोटेशन ये डायरेक्शन कोसाइन्स है क्वेश्चन में गिवन है डायरेक्शन कोसाइन्स यानी इनके स्क्वायर्स का समेशन भी कितना आएगा बोलो वन ठीक है इसको थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर आएगा यहाँ पे वन वन कैंसिल और ये आ गया है अभी दिस डेल्टा एल स्क्वायर डेल्टा एम स्क्वायर डेल्टा एन स्क्वायर प्लस टू टाइम्स एल डेल्टा एल एम डेल्टा एम एंड एन डेल्टा एन इज इक्वल टू जीरो
अब यूज करते हैं एंगल, रोटेट किया ना आपने, कॉस थीटा क्या होता है, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी, अंडरस्टूड? हाँ सर। सो एल इनटू एल प्लस डेल्टा एल, यस और नो? एम इनटू एम प्लस डेल्टा एम, एन इनटू एन प्लस डेल्टा एन अपॉन अंडर रूट ऑफ अंडर रूट ऑफ, ये वैल्यू भी कितना आएगा बोलो? ये भी कितना है? डायरेक्शन कोसाइन का यही बेनिफिट है, इसलिए आपको हमेशा डायरेक्शन कोसाइन ही कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि डिवाइड में कुछ लिखना नहीं पड़ता है ना। ओके, तो ये हो गया अभी दिस, एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस एल डेल्टा एल एम डेल्टा एम और एन डेल्टा दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब ये चेक करते हैं प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है ये। ओके, क्या करोगे बताओ? अच्छा एक चीज और, ये वैल्यू भी कितना है? One. ठीक है, तो बेसिकली एल डेल्टा एल ये नहीं चाहिए हम लोगों को, इसके प्लेस पे डेल्टा एल स्क्वायर जैसा कुछ आना चाहिए। तो एक काम करते हैं, ये वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं और ये इधर पुट कर देते हैं, चलता है? हाँ ठीक है, तो ये वैल्यू कितना आ रहा है बोलो? थीटा माइनस वन। ठीक है, तो बेसिकली वहां पे आप पुट कर रहे हो कॉस थीटा माइनस वन, सो दिस डेल्टा एल स्क्वायर डेल्टा एम स्क्वायर डेल्टा एन स्क्वायर टू टाइम्स कॉस थीटा माइनस वन, टेक ऑन द राइट साइड यू विल गेट टू टाइम्स वन माइनस कॉस थीटा, यस और नो? ट्रांसपोजिशन साइन चेंज होता है, और यार ये तो पता है हम लोग को ऑलरेडी कि वन प्लस कॉस ये होता है टू कॉस स्क्वायर हाफ एंगल, और वन माइनस कॉस ये होता है थीटा बाय टू। तो ये हो गया है अभी दिस, एनी डाउट? सर फोर आएगा, सर फोर आएगा, सॉरी टू इंटू टू फोर, हाँ बिल्कुल। अब यार एग्जाम में क्वेश्चन कैसे भी आ सकते हैं ना, हो सकता है क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए यहाँ पे, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के, या फिर ऐसे आ जाए फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के प्लस पी, तो के प्लस पी कितना आएगा बोलो? सिक्स। हाँ बिल्कुल, तो यार वो तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, आपको इंटीजर टाइप क्वेश्चन बनाना है तो आप फिर ये सब करना पड़ता है। ओके, ये नोट कर, यार एक चीज ध्यान रखना, कई बार क्या हम लोग कंफ्यूज आते हैं यहाँ पे कि यार ये क्या रोटेट कर रहे हो पता नहीं, तो रोटेट करने का एक बिहाइंड कंसेप्ट यही है कि न्यू थिंग और इनिशियल थिंग उनमें एंगल है वो बेसिकली थीटा, तो आप डायरेक्ट वहां पे एंगल यूज कर सकते हो, ऐसा रोटेट करने जैसा स्पेशल कंसेप्ट नहीं है कुछ भी।
Any doubt? Thanks. टफ जैसा नहीं है इसमें, कुछ भी सिंपल ही है. नोटेड? हाँ सर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. यार किसी को इश्यू है नोट वगैरह का तो आप बोल सकते हो. अच्छा एक बात ये बताओ कि लेट से एक वेक्टर है ए वेक्टर, सेकंड वेक्टर है बी वेक्टर, एंगल बाइसेक्टर्स क्या होते हैं बोलो. एंगल बाइसेक्टर्स विल बी अलोंग बोलो ए माइनस बी, ए कैप प्लस बी कैप, ए कैप प्लस बी कैप एंड ए कैप माइनस बी कैप. हाँ ये हम लोगों ने वेक्टर्स में एक्सप्लेन किया था पूरा, है तो इसी पे क्वेश्चन करते हैं. Example, L1, direction cosines की बात कर रहा हूँ मैं. L1, M1, N1, L2, direction cosines, L2, M2, N2. ठीक है. Determine direction cosines of angle bisectors. ये question. डायरेक्शन कोसाइन का मतलब होता है यूनिट वेक्टर. ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं ना. तो ए कैप प्लस बी कैप यानी आपको ये यूनिट वेक्टर यूज करना है. तो यार एक चीज में क्लियर हो रहा होगा, ये ऑलरेडी यूनिट वेक्टर ही है. यस और नो? हाँ. क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन है ना. ठीक है तो ये हो गया अभी एल वन प्लस एल टू आई कैप प्लस एम वन प्लस एम टू जे कैप एंड प्लस एन वन प्लस एन टू. ठीक है अभी इतना बताओ बस कि टू यूनिट वेक्टर्स का एडिशन या फिर रिजल्टेंट यूनिट वेक्टर होना कंपलसरी होता है क्या? नहीं. कब आता है यूनिट वेक्टर? एंगल कितना होता है वहां पे? 120 डिग्री. हाँ ठीक है. तो बेसिकली ये आप डायरेक्शन रेशियोज बोल सकते हो, बट क्वेश्चन इज डायरेक्शन कोसाइन. तो बेसिकली आपको डिवाइड करना है अभी इसके मैग्नीट्यूड से. हाँ बिल्कुल. तो इसका मैग्नीट्यूड डिवाइड करते हैं अभी अंडर रूट ऑफ. क्या लिखोगे बोलो? एल वन प्लस एल टू स्क्वायर, एम वन प्लस एम टू स्क्वायर एंड एन वन प्लस एम टू स्क्वायर. एल वन प्लस एल टू स्क्वायर L1 plus L2 square plus M1 plus M2 square plus N1 plus M2 square. तो मैं चीज समझ में आ रहा होगा यहाँ पे 2 तो आई गया. Understood? L1 square plus M1 square plus N1 square 1. L2 square plus M2 square plus N2 square is also 1. तो 1 plus 1 तो ये है. Yes or no? Now remaining पोर्शन क्या है बोलो? 2L1 L2 plus 2M1 M2. हाँ, बिल्कुल. 2 times L1 L2 M1 M2 and N1 N2. अब ये बताओ L1 L2 M1 M2 और N1 N2 ये किससे रिलेटेड है यहाँ पे बोलो? cos theta. 100% cos theta क्या होता है? L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2 upon magnitude of A वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर. तो ये तो वन ही है क्योंकि यूनिट वेक्टर्स हैं.
तो बेसिकली ये हो गया अभी 2 cos थीटा, ये सॉल्व। ठीक है, 2 प्लस 2 cos थीटा, 2 कॉमन यानी कि रूट 2, रिमेनिंग पोर्शन इज 1 प्लस cos थीटा, और 1 प्लस cos थीटा क्या होता है, 2 cos स्क्वायर हाफ एंगल, तो ये हो गया रूट 2 cos थीटा बाय 2। ओके, विजिबल है ना सभी को? ठीक है, तो फाइनली डायरेक्शन कोसाइंस क्या आ गए बोलो, एल वन प्लस एल टू अपॉन टू कॉस थीटा बाई टू कॉमा माइनस एल वन प्लस एल टू अपॉन टू कॉस थीटा बाई टू, एम वन प्लस एम टू अपॉन टू कॉस थीटा बाई टू, एन वन प्लस एम टू क्रॉस अपॉन टू कॉस कॉमा एन वन प्लस एन टू अपॉन टू कॉस थीटा बाई टू। एनी डाउट? नहीं सर। तो ये तो यार ए वेक्टर प्लस ए कैप प्लस बी कैप है, अभी ए कैप माइनस बी कैप तुम फाइंड करो, देखते हैं क्या आता है। अच्छा, ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट लर्न होना चाहिए माइंड में, इंपॉर्टेंट है, काम आता है क्वेश्चंस के अंदर। करो एक बार ऐसे नोट करो, देखते हैं। सर वो ए माइनस बी में एल वन माइनस एल टू अपॉन टू साइन थीटा बाय टू। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, डन। ओके, नोटेड।
ठीक है, तो सेकंड क्या जाएगा बोलो, ए कैप माइनस बी कैप, बी कैप और इसके अकॉर्डिंग आना चाहिए एल वन माइनस एल टू अपॉन टू साइन थीटा बाई टू कॉमा एन वन माइनस एन टू अपॉन टू साइन थीटा बाई टू। ये मेरे को एक्सप्लेन करना है क्या, एल वन माइनस एल टू अपॉन टू साइन थीटा बाई टू कैसे आ रहा है? सब कुछ सेम ही है, बस यहाँ पे आएगा टू माइनस टू कॉस थीटा, टू कॉमन वन माइनस कॉस थीटा एंड वन माइनस कॉस थीटा इज टू साइन स्क्वायर हाफ एंगल, और ऊपर तो माइनस है ही यार ऑलरेडी। प्रथमेश एनी डाउट? नहीं सर। ओके ठीक है, ये नोट कर लो, हो गया बस। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। अच्छा तुम लोगों को याद है इस तरीके से हम लोगों ने ये वेक्टर्स में क्वेश्चंस किए थे कि लाइन एक लाइक लाइन है एक आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, और आपको इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है कोई भी एक रैंडम पॉइंट है लेट्स से पी वेक्टर। क्या करते हो बोलो? पी का प्रोजेक्शन अलोंग आर वेक्टर, पी का प्रोजेक्शन अलोंग आर वेक्टर, अलोंग नहीं सॉरी परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर। बेटा r वेक्टर कैसे लिख दोगे, r वेक्टर कोई वेक्टर थोड़ी है यार, r वेक्टर तो पॉइंट है इसके ऊपर काफी सारे। भाई r वेक्टर वेक्टर नहीं है, r वेक्टर पॉइंट्स को शो कर रहा है, वो इस लाइन के ऊपर लाइक कर रहे हैं। ये लाइन क्या है, पासिंग थ्रू पॉइंट a वेक्टर एंड पैरेलल टू b वेक्टर। हाँ, और इस लाइन के ऊपर काफी सारे पॉइंट्स हैं r वेक्टर, उनके कोऑर्डिनेट्स आएंगे ना वो, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हो बोलो? प्रोजेक्शन ऑफ पी ए वेक्टर, लेट्स से ये पॉइंट है ए, तो ए पी वेक्टर या पी ए वेक्टर कुछ भी लिख सकते हो, क्योंकि प्रोजेक्शन मतलब फाइनली आपको आंसर पॉजिटिव ही बताना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, तो प्रोजेक्शन ऑफ ए पी वेक्टर आगे क्रॉस बी वेक्टर, क्रॉस बी कैप, हाँ क्रॉस बी कैप और उसका मैग्नीट्यूड। हाँ, तो प्रोजेक्शन ऑफ एपी वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, बी वेक्टर, हाँ ए का प्रोजेक्शन बी के एलोंग क्या आता है बोलो, ए डॉट डॉट बी कैप, और ए का प्रोजेक्शन बी के परपेंडिकुलर क्या आता है बोलो, ए क्रॉस बी वेक्टर, ए क्रॉस बी कैप या पी कैप, बी कैप और इसका मैग्नीट्यूड। सिमिलरली यहाँ पे perpendicular distance is projection of AP vector perpendicular to B vector, क्या लिखोगे, AP cross B cap और उसका magnitude, any doubt? ठीक है, अब ये बताओ second point, यार I think मुझे लग रहा है 2 or 3 seconds, 1 second का शायद इसमें lag आ रहा है थोड़ा, तुम्हें ऐसा feel हो रहा है क्या? हाँ sir थोड़ा, हाँ आपको पता नहीं अभी क्यों हो रहा है, नहीं होना चाहिए एक्चुअल में, देखते हैं कोई प्रॉब्लम है तो बताना है तुम्हें। तो ये लाइन है अभी r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर, अगेन दिस पॉइंट इज a, ये है a वेक्टर, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट में था परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अभी हम लोग यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर,
इसको एक काम करते हैं, क्यू बोल देते हैं, चलता है? ठीक है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये कैसे डिटरमाइन करोगे बोलो? यार ये हम लोगों ने कर चुके हैं, देखो ऑलरेडी ये वेक्टर्स के नोट्स है, ठीक है, तो डॉट में आया होगा वो. एक सेकंड, जस्ट एक सेकंड बस. ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशंस ऑफ डॉट एंड क्रॉस, हाँ यहाँ पे आया होगा ये पॉइंट. दिख रहा है आप लोगों को परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट पी? अभी दिखा होगा मुझे लगता है. परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट पी फ्रॉम अ लाइन दिस. प्रथमेश, हाँ सर, विजिबल है ये? हाँ सर, विजिबल. हाँ, तो उसके बाद में आया था फिर ये देखो नेक्स्ट पॉइंट, फुट ऑफ परपेंडिकुलर. हाँ, एंड इमेज ऑफ अ पॉइंट पी वेक्टर इन अ लाइन दिस. तो ये सेम वही करने वाले हैं हम लोग, सेम मैं वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ फिर से, क्योंकि इसी पॉइंट को अभी हम लोग 3D यानी कि एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं. ओके, हाँ सर, ठीक है. तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर, सपोज करो ये पॉइंट है क्यू वेक्टर, तो डेफिनेटली एक इक्वेशन तो ये बनेगा, क्या क्यू वेक्टर इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है? क्यू वेक्टर सेटिस्फाइंग गिवन लाइन, यानी कि क्यू वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्ब्डा बी वेक्टर. हाँ, सेकंड पॉइंट क्या लिखोगे बोलो? क्यू वेक्टर बी कैप इनटू बी कैप डॉट पी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो. बी कैप, बेटा बी कैप, यार तुम ऐसे बताओ ना, इस ये और ये इन दोनों में 90 डिग्री एंगल है ना? हाँ सर. तो डेफिनेटली डॉट कितना होना चाहिए? जीरो. हाँ, लेकिन ये वेक्टर बी वेक्टर है, तो बी वेक्टर डॉट क्या बोलो? पी क्यू वेक्टर. हाँ, पी क्यू, बिल्कुल सही, या फिर क्यू माइनस पी या पी माइनस क्यू कुछ भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू जीरो. फाइनली फाइंड क्या करना है आपको? क्यू वेक्टर फाइंड करना है. क्यू के लिए जस्ट क्या चाहिए मेरे को? लैम्ब्डा. ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले तो ये हो गया b डॉट q इज इक्वल टू p डॉट b, यस और नो? ये यहाँ पे पुट कर दो. तो ये हो गया है b डॉट q यानी कि a प्लस लैम्ब्डा b इज इक्वल टू p डॉट b. तो ये हो गया अभी a डॉट b प्लस लैम्ब्डा मैग्नीट्यूड b स्क्वायर इज इक्वल टू p डॉट b. B. P dot B. तो lambda is equal to आ गया है P dot B minus A dot B. अपन में. हाँ, उसको तुम ये भी लिख सकते हो P minus A dot B. Yes or no? हाँ. अपन magnitude B square. और ये lambda फिर वापस से वहाँ पे put करोगे and then you will get Q vector is equal to A vector plus lambda B vector. तो यहाँ से आता है point Q. देन फिर आता है इमेज. इमेज कैसे फाइंड करते हैं? सपोज करो इमेज है आर वेक्टर, तो आर और पी का मिड पॉइंट क्या है बोलो? क्यू वेक्टर. हाँ, तो फिर वहां से इमेज आ जाती है. एनी डाउट? नो सर. अभी 3D में आपको इतना नहीं करना होता है यार, लेकिन ये प्रोसेस आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये ऑप्शंस में आता है कई बार एज इट इज. क्लियर? अच्छा, तो तुम ये नोट कर लेना, जस्ट आफ्टर क्लास मैं पीडीएफ शेयर करता हूँ. अभी 3D में क्वेश्चन काफी सिंपल हो जाता है, इसको देखना कैसे. एग्जाम्पल लिखो, एक पेज छोड़ देना है ना वो नोट करने के लिए. ठीक है, सपोज करो कोई भी लाइन की इक्वेशन है, लेट से दिस लिख लेते हैं, x माइनस वन अपॉन टू, वाई माइनस टू अपॉन लेट से माइनस वन, जेड माइनस फोर अपॉन कोई भी नंबर बताओ.
थ्री लिख देते हैं। तो ये लाइन है दिस, कोई भी एक पॉइंट बोलो। बताओ यार कोई भी पॉइंट बोल दो जल्दी से। 4 3 2 हाँ बस ये चेक करो, सेटिस्फाई नहीं कर रहा हूँ इसको, समझ रहे हो ना, वरना उसी लाइन पे आ जाएगा। तो 4 - 1 3/2 नहीं कर रहा है सेटिस्फाई। ओके डन। फर्स्ट क्वेश्चन है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सेकेंड क्वेश्चन इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड थर्ड क्वेश्चन इज इमेज। अभी यहाँ पे हम लोग क्रॉस वगैरह यूज नहीं करेंगे, समझने का ट्राई करना काफी इजी है। ये स्टार्ट करता है, पहले एक रफ डायग्राम बना लो। ये है एंगल 90 डिग्री, ये पॉइंट तुम लिख सकते हो इन फॉर्म ऑफ लैम्बडा, यस और नो? हाँ सर। सपोज करो ये पॉइंट है पी, ये पॉइंट है क्यू, क्यू क्या लिखोगे बोलो? 2 लैम्बडा प्लस 1, ठीक है, कॉमा माइनस लैम्बडा प्लस 2, माइनस लैम्बडा प्लस 2 या 2 माइनस लैम्बडा, ओके, 3 लैम्बडा प्लस 4। एक पॉइंट और, इस लाइन का डायरेक्शन क्या है ये बताओ? 2 i कैप माइनस j कैप प्लस 3 k कैप। इन सबसे पहले ये जरूर चेक कर लेना कि न्यूमेरेटर में कोफिशिएंट ऑफ x y एंड z मस्ट बी 1, तो वो ओके okay, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अभी यार एक चीज समझ में आना चाहिए आपको, definitely PQ dot, इसको मैं क्या बोलूं, V vector बोल देता हूं, चलता है? हाँ सर। तो PQ dot V कितना आना चाहिए बोलो? 0 हो गया। क्या पता लगेगा आपको डायरेक्ट यहाँ से? लैम्बडा, लैम्बडा को पुट करना, Q आ गया, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया, डन। स्टार्ट करते हैं, PQ vector बताओ, PQ vector क्या आ गया बोलो, या फिर अलग से लिखते हैं ना इसको, स्टार्ट करते हैं, डॉट बाद में कर देंगे। पी क्यू क्या आ रहा है बोलो? क्यू माइनस पी कर सकते हो, पी माइनस क्यू भी कर सकते हो, चलता है। तो क्यू माइनस पी कर रहे हैं, तो ये हो गया 2 λ - 3, कॉमा, कॉमा नहीं लिखना चाहिए, आई कैप जे कैप के कैप है वो, लेकिन अंडरस्टूड है कॉमा का मतलब यही है ना। तो 2 λ - 3 हो गया, देन ये कितना आ गया अभी 2 - λ - 3, यानी कि -λ - 1, और ये कितना आ गया 3 λ प्लस 2। पी क्यू डॉट वी कितना आ रहा होगा बोलो? 0। तो ये हो गया है अभी 4 λ - 6 प्लस लैम्बडा प्लस 1 और 9 λ + 6 इज इक्वल टू 0, यस और नो? हाँ सर। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो गया अभी 14 λ, माइनस सिक्स प्लस सिक्स कैंसिल, प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, लैम्बडा इज इक्वल टू -1/14। अभी क्या फाइंड करोगे? क्यू वेक्टर, सॉरी क्यू आ जाएगा ना, क्यू लैम्बडा पुट करते ही। हाँ। देन क्या फाइंड करोगे? डिस्टेंस पी क्यू। और थर्ड आपको फाइंड करना है, सपोज करो इमेज, तो इमेज है लेट से आर वेक्टर, तो आर और पी का मिड पॉइंट क्या है? इमेज एंड पॉइंट पी हैविंग मिड पॉइंट क्यू, एनी डाउट? नो सर। तो यार तुम्हें समझ में आ रहा होगा वेक्टर वाले मेथड से ये मेथड काफी इजी है। अगेन वेक्टर वाले मेथड में परपेंडिकुलर डिस्टेंस डायरेक्ट आता है क्रॉस करने पे, यहाँ पे पहले आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करते हो, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके आप पी क्यू फाइंड करते हो, क्लियर? ये नोट करो, ये डिस्टेंस वगैरह आपको नहीं फाइंड करना है, कंसेप्ट मेन है, वो तुम्हें क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है।
Any doubt? इधर प्रेरणा कोई डाउट है तुम्हें बताओ? नहीं सर। Noted. यार पूरा सॉल्व नहीं करना है ना, पूरा सॉल्व नहीं करना है, जस्ट लैम्बडा फाइंड करो काफी है। लैम्बडा कुछ इजी आ रहा होता माइनस वन टाइप तो फिर करते यार, है ना, कोई बेनिफिट नहीं है अभी। ओके नोट हो गया ये अभी? हाँ सर। ठीक है चलो अभी पेपर डिस्कस कर लेते हैं ना, सेकंड